नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीजेड। जनपद देवरिया से इस वक्त की खबर। उत्तर प्रदेश का देवरिया जनपद, जहां मदनपुर थाना क्षेत्र के बिटहा गांव के बाहर खेत में बीती रात एक नाबालिग छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं, जिसके चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं खबर मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। सबकी पहचान की गई तो मृतक नाबालिग छात्रा निकली, जो बगल के गांव की ही रहने वाली थी और विगत 17 फरवरी की शाम से ही लापता थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। मृतका 8वीं की छात्रा थी। खबर मिलते ही मृतका के घर में कोहरा मच गया। इस बाबत पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बीती रात एक लड़की का शव बरामद हुआ है, उसके गर्दन पर चोट के निशान है। मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के पर्दाफाश के लिए SOG की टीम लगाई गई है। समाचार रेडियो चैट के लिए देवरिया से ब्यूरो रिपोर्ट। इस जनपद के थाना मदनपुर के ग्राम भिटहा के सिवान में एक लड़की, उसकी लाश कल शाम को मिली है। उसके गर्दन पर चोट के निशान हैं। इस संबंध में थाना मदनपुर पर अभियोग पंजीकृत करा करके विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा कर लिया गया है और घटना के अनावरण हेतु SOG और टीमें लगा करके कार्रवाई कराई जा रही है।